नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि बादाम की टिक्की या बादाम की लाई जो गुड़ के साथ बनती है वो कैसे बनाए। तो उसके लिए हम ले लिए हैं यहाँ पे मूंगफली। मूंगफली लेने के बाद इसमें थोड़े मूंगफली को जो भी यहाँ पे अच्छे नहीं थे मूंगफली उसको चुन लेने के बाद अब यहाँ पे ये मूंगफली फ्रेश हो गया है। मूंगफली फ्रेश हो गया तो इसके बाद हम इसको भूनने के लिए डाल दिए हैं और ये हम इस मूंगफली को भूनने के लिए चढ़ा दिए हैं। अब मूंगफली देखने में भी थोड़ा फ्रेश लग रहा है। वैसे तो लगता था कि मूंगफली ठीक ही है पर इसको चुन ले तो बेटर रहता है। और ये अब मूंगफली भुना रहा है। अब हम लेंगे गुड़। यहाँ पे गुड़ हम ले लिए हैं और अब हमको गुड़ लेके मूंगफली को अच्छे से हमको पहले भूनना है। उसके बाद गुड़ काम में आएगा। और फिर ये मूंगफली भूनने के बाद हम यहाँ पे मूंगफली भूनने के बाद पानी और यहाँ पे गुड़ डाल दिए हैं एक पैन में और ये धीरे धीरे अपने आप गल जाएगा गुड़। और यहाँ पे हम मूंगफली को छिलका हटा लेंगे। मूंगफली को छिलका हटाने के बाद यहाँ पे मूंगफली का छिलका हट गया है। मूंगफली का छिलका हट जाने के बाद थोड़ा बहुत ही छिलका हटा है पर इट इज़ ओके। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि चाशनी तैयार करेंगे। गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे जो कि पैन में ये उबल रहा है गुड़ की चाशनी। अब ये जब हो जाएगी गुड़ की चाशनी कंप्लीट तब इसमें से तार के जैसे निकलने लगता है ऊपर ऐसे उठाने पर। तो फिर हम चेक करने का ये एक अच्छा तरीका है। अब हम दोनों को मिक्स कर देंगे अच्छे से गुड़ की चाशनी में। मूंगफली को मिक्स करने के बाद यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसको बांट देंगे इस तरीके से। और इसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसको सेप में लाएंगे और गोलाकार सेप में लाएंगे। गर्म होने पर यह सेप में नहीं आता है तो आपको गोला करके बनाने का मन हो टिक्की तो आप उस तरीके से बना सकते हैं। ये कलरफुल देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। और ये ठंड में खाया जाता है क्योंकि बॉडी को गर्मी प्रदान हो इसलिए। और मूंगफली में काफ़ी ज़्यादा ताकत होता है तो ये और गर्मी भी होता है गुड़ में तो ये इसी कारण से ये ठंडे में ज़्यादा बेटर रहता है खाना।